हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवकम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं साथ ही साथ आंसर भी हैं, दोनों चीज़ का हम बात करेंगे। क्योंकि कई दिनों से 10th क्लास का वीडियो नहीं देने पर 10th क्लास के स्टूडेंट का बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं कि सर 10th क्लास का वीडियो दीजिए। तो अभी हम लोग का सीरीज चल रहा था आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स और आर्ट्स में 12th क्लास का हिस्ट्री के बारे में, और जो है फिजिक्स भी इसके पहले हम दे चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सेक्शन ए मैथमेटिक्स का, यानी 10th क्लास के मैथ का, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन जो है 2021 में आने वाले क्वेश्चन को हम सेक्शन ए एवं सेक्शन बी एवं सेक्शन सी तक बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और आपको जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे जो एक बेहतरीन ढंग से बना हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है पहला आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है शांत या अशांतावर्ती है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को हम आपको बताए थे पहले, जो नीचे वाला है उसको एलसीएम लेने के लिए, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाकर देख सकते हैं। तो नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो 3 × 3 × 2 × 2 × 2, यानी 2 जो आएगा 3 टाइम्स आएगा। तो इसलिए यहाँ पर नीचे हमको 10 यानी 10 जुटाना है, तो इसलिए 5 × 5 यानी 5 × 3 हम यहाँ पे ऊपर नीचे गुना किए, तो ऊपर में गुना करने के बाद ये हुआ, नीचे आपका यह गया। तो यहाँ पे आने पर यहाँ पे जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ भी उसी तरह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, ये क्वेश्चन आप लोग को इजीली तरीके से आ जाता है। या तो पहला नंबर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 140 तथा 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए या लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे 140 को यहाँ पे राप में हम करके रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्वेश्चन का बना गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लॉसा ज्ञात कीजिए। लॉसा का अर्थ होता है एलसीएम। एलसीएम में मतलब होता है जो आपका कॉमन आएगा, यानी हाइस्ट जो पावर आएंगे उसी को लिखना है, और जो चीज़ आपको बच जाएगा उनको भी लिखना है, तो उन्हीं को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 96 का जब हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए तो मेरा यहाँ पे 2 2 2 आया 3 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी 5 टाइम 2 आया मेरा, और यहाँ पे 3 एक को आया, यहाँ पे 2 टाइम 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम 2 और यहाँ पे 3 टाइम 2, यानी टोटल कुल मिला के यहाँ पे 5 टाइम 2 हो गया, यानी ऊपर वाला आप 5 टाइम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है नीचे वाला आप क्या करें, जो 3 बचा हुआ है उसको लिख लिया, और यहाँ पे आपको 110 बचा हुआ उसको लिख लिया। तो यहाँ पे आंसर करके कैलकुलेशन करके आपका 96 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वहाँ पे किसी एक बहुपद के लिए आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताएगा। तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको इजी तरीका बताए थे और बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कटअप करेगा वही आपका शून्यांकों की संख्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा। उसके बाद इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक जगह में यहाँ पे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे एक जगह 3 जगह, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 है। इसमें देख सकते हैं आप 4 जगह कट कर रहे हैं, एक जगह यहाँ पे, एक जगह, दो जगह, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसलिए इसका शून्यांकों की संख्या जो है 4 हो जाएगा। जांच कीजिए कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको जांच करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x - x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। इधर वाला को हम यहाँ पे फार्मूला लगाए, ए स्क्वायर प्लस 2ab - 2ab + b², यानी यहाँ पे 1 था, 1 यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे 2x - 3। जब इसको हम कैलकुलेशन करते गए तो इस तरह के यहाँ पे आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 8 के रूप में है, तो यहाँ द्विघात समीकरण है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इन सब क्वेश्चनों को आप देखते देखते, यानी जो स्टूडेंट खास करके बहुत सारे कमज़ोर है और कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं ले पाए हैं लॉकडाउन के चलते या कोई भी कारण से हो सकता है, तो इन सब क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो जो स्टूडेंट पैसा पे कर चुके हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा,
जो टीचर ये करते हैं उनको तो PDF की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो बन जाता है। ठीक है, अगर आपको सवाल ये करना है तो इस सवाल को आप थोड़ा सा दिमाग पे रखिएगा कि ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को इन सवालों का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करें। जब भी कोई मतलब बोर्ड में जाएंगे तो एक सवाल फटाक से दे देंगे, जैसे इसको दे दीजिए आप, ठीक है, 10 65 डिग्री बट कॉट 25 डिग्री, ठीक है, बोर्ड में अचानक। तो मैथ शुरू करने से पहले या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले अचानक दे दीजिएगा, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। जो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको थोड़ा सा बुलाइए कि ये क्यों दिखाओ, तो इस तरह करके। तो यहाँ पे 3 सवाल था, तीनों सवाल को हम यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे AP में, 5 नंबर में। यहाँ पे एक AP है 3/2 और 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर जो है डी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रथम पद हम जानते हैं कि 2/3 हो जाएगा और सर्वांतर जो हो जाएगा a2 - a1, a2 का वैल्यू है 1/2 और a1 का वैल्यू है माइनस, यहाँ पे करने पर 3/2, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 नंबर देखेंगे, समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डट 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 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद आपका 4 हो जाएगा, सर्वांतर जो है डी, तो a2 - a1 हो जाएगा। 10th का जो है -4 हो जाएगा, 10th से यहाँ पे a2 का मान जो है 10 है और a1 का 4, ठीक है। तो ये सब इजीली तरीका से आ जाएगा, हम थोड़ा सा स्लोली मोशन में बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो है, श्रेणी समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया गया है, उनका भी आपको एक भी यानी प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी वृत्त का जो यहाँ पे परिमाप होता है वो 2πr होता है, जिसको हम परिधि भी कह सकते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr। अब यह प्रश्नों में बताया गया है कि दोनों जो है संख्या रूपात्मक रूप से बराबर है, फॉर्मूला के रूप से बराबर नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो वैल्यू आएंगे वो बराबर है। तो यहाँ पे दोनों को हम बराबर किए, जब दोनों को बराबर करने के गए तो हम यहाँ पे पाई पाई को और आर आर को काटने के लिए यहाँ पे एक आर रख दिए, तो आर बराबर जो है 2 आ गया, तो यहाँ से हो गया आपका 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप का फॉर्मूला होता है आर त्रिज्या, कैपिटल यहाँ पे आर देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर का बात किया गया। जिस तरह का आर आपको लिखिएगा एग्जाम में आप उसी तरह का आर लिखिएगा। और वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है πr² है, तो यहाँ पे भी πr² हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यास डी वाले वृत्त का परिमाप जो है ज्ञात करें। यहाँ पे डी व्यास दिया गया, तो व्यास अगर डी होते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप है आपका πr 2πr, और r का जो वैल्यू है d/2, 2 कट गया तो क्या हो गया, πd हो गया, ठीक है। इन सवालों को आप तुरंत देख लीजिएगा, और अगर वीडियो से आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसका PDF ले सकते हैं। सिर्फ इसी का PDF आपको देंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, हर सब्जेक्ट का, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी ए, हिंदी बी, अंग्रेजी, सारे चीज़ों का बुकलेट, मॉडल सेट, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज नोट्स, केवल आप 500 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। तो आप 500 रुपये देने पर क्या होंगे, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको 1x1 बारीकी से एक कंटिन्यू विधि से आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमको थोड़ा सा तंग कर देते हैं, हम थक जाते हैं कि कॉल करके हमको पूछता है, सर ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है। तो आप लोग को जो जो चीज़ नहीं मिला है आप ग्रुप में लिख सकते हैं और उसी के ज़रिए से आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट हमसे PDF लेना चाहते हैं और PDF का पैसा कैसे पे करना है या क्या है, थोड़ा सा अगर इंक्वायरी है तो वो कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक होगा, और हमसे मिलने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी वृत्त जो है होते हैं, क्या होते हैं, सर्वंगसम या समरूप, तो समरूप होते हैं, सर्वंगसम तो कभी होगा नहीं। सर्वंगसम का होता है एक वृत्त मान के चलिए ऐसा है और एक वृत्त ऐसा है, दोनों वृत्त अगर समान हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सर्वंगसम, लेकिन अगर एक वृत्त बड़का सा है और एक वृत्त छोटा सा है तो इसको हम समरूप बोलेंगे, एक ही जैसा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही बराबर नहीं बोल पाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आकृति DE समानांतर BC है, तो 1 नंबर CE तथा AD ज्ञात करें। यहाँ पे इसको ज्ञात कीजिएगा,
ये आपका 5 6 अध्याय का शायद ये मैथ है, हाँ 6 अध्याय का ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए डी बराबर कितना है, तो ए डी बराबर यहाँ पे 1.5 हो गया, बी डी बराबर कितना हो गया 3, और यहाँ पे ए ई जो है ए ई आपका यहाँ पे 1 हो गया, और ई सी आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग 6.1 के थ्योरम से अकॉर्डिंग जानते हैं कि दो अगर कोई एक त्रिभुज के कोई एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा अगर खींचा जाते हैं तो उनका जो है अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए डी बराबर बी डी और ए ई बराबर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जिसका मान था, ए डी का मान 1.5 है, बी डी का मान 3 है, ए ई का मान ज्ञात करना है, सी ना ए ई का मान 1 है, सी का हमको ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किए, कोना का निगुणा किए, तो ऐसा हमको आ गया, यानी इसको हम इससे गुणा किए। तो अब ई बराबर इसको रखें तो इसको कटाकटी करने के बाद मेरा क्या आ गया, 1.2 आ गया, ठीक है, ए ई का मान 2 आ गया। उसी तरह दूसरा नंबर भी यहाँ पे सवाल है, उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये भी इजीली तरीके से बना हुआ है, इसको भी आप आराम से लिख पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, भुजाओं के समान संख्या वाले दो समभुज, दो बहुभुज समरूप होता है या उनकी संगत भुजाएं ये हो तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकते हैं, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि एक वृत्त है और इस वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेंगे, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे एक वृत्त मान के चलिए, यहाँ पे एक वृत्त में अगर टच किया है, ठीक है, एक जगह में, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, स्पर्श रेखा, इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, अनेक हो सकता है कि सिर्फ एक जगह में टच होना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पर्श रेखा यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक। एक वृत्त डॉट 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 समानांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं दो, यानी एक वृत्त के जो अगर समानांतर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक वृत्त है और इधर से एक रेखा जाएगा और इधर से एक रेखा जाएगा, तभी समानांतर रेखा होगा। तो ये दोनों रेखा जो है क्या है, आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर हो तथा पी क्यू की लंबाई जो है ज्ञात करें। ये भी बहुत ईजी तरीका से आपका निकल जाएगा, यहाँ पर ओ पी जो है 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ओ पी 12 हो गया, अब यहाँ पर ओ क्यू, ठीक है, यहाँ पर ओ पी 5 सेंटीमीटर आपको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी स्पर्श बिंदु पर ये कितना डिग्री का कोण का बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है आपका अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंबो, ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्णों का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंबो स्क्वायर, ना यहाँ पे इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आधार है, तो पी आधार मतलब हो गया आधार का स्क्वायर बराबर कर्णों का स्क्वायर माइनस लंबों का स्क्वायर। तो आधार का वैल्यू 12 दिया गया है, ना कर्णों का, तो 12 लिख दी, लंब का 5, इसको घटाने के बाद 119 आया, तो उसका जो वैल्यू आएगा 119 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि पी ई बराबर 0.05 है तो पी ई यानी ई नहीं की प्रयोगता ज्ञात करें। तो यहाँ पे पी ई का वैल्यू दिया गया है, पी ई नहीं को ऊपर में हम लोग बार से डिनोट करते हैं, तो इसको हॉट लिखा गया। ये हम जानते हैं किसी का प्रयोगता नहीं होना और किसी का प्रयोगता होना कुल का योग, यानी कुल यानी पूरा टोटल का योग 1 होता है। तो उसको इधर लेके आए तो उसको क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया। तो पी ई का हमको वैल्यू जो आए यहाँ पे 1 से 0.05 हम निकाले तो यहाँ पे हमको 0.95 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित या एक पट प्राप्त करने की प्रयोगता ज्ञात करें, तो एक चित जो है हमको प्राप्त करने की प्रयोगता ज्ञात करना है। तो जब हम एक सिक्का को उल्टाएंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। तो हम पट को टी मान लिया, चित को हेड मान लिया, गिवन की स्पेस यानी एस क्या क्या मेरा आ सकता है। तो जब हम एक सिक्का को उछलेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 मेरा यहाँ पे एलिमेंट हो गया, तो नंबर ऑफ स्पेस हमारा 2 हो गया। अब हमको यहाँ पे घटना क्या पूछ रहा है, यानी चित, तो चीत को हम एच माने हैं, तो यहाँ पे ई यानी घटना मेरा चीत हो गया, और चीत का संख्या यानी घटना की संख्या 1, और प्रयोगता का फॉर्मूला हमको जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट मेरा 1 है, नंबर ऑफ स्पेस 1 है, तो इसको हम जानेंगे 1/2 यानी 0.5। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या की प्रयोगता ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक पासे को, सॉरी यहाँ पे इस मैथ को शायद गलत बनाया गया है, हाँ यहाँ पे इस स्टूडेंट ने इस मैथ को गलत बनाया। पासा का अर्थ होता है लूडो का जो छक्का होते हैं उनको हम बोलते हैं, तो इसको हम जानेंगे स्पेस,
तो एक स्पेस को पलटाएंगे तो वन आएगा मेरा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, यानी नंबर ऑफ स्पेस मेरा जो होगा सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इवेंट पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ सिक्स आप लिख लिया, अब इवेंट पूछ रहे हैं हमको। तो इवेंट का अर्थ होता है कि क्या घटना, तो चार से बड़ा बड़ा क्या है, पाँच है, अच्छे हैं, और इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा टू। तो नंबर ऑफ इवेंट टू हो जाएगा, तो प्रयक्ता का हम जो फार्मूला जानते हैं यानी पी ई का जो हम मान जानेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बाय नंबर ऑफ स्पेस। तो नंबर ऑफ ई मेरा कितना आया था, टू आया था, नंबर ऑफ स्पेस छः होगा, तो यहाँ पे कटेंगे तो वन और तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको वन बाई थ्री। ठीक है, इसका आंसर जो है वन बाई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे दस नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संचय विरंबरता वक्रों को डॉट 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 भी कहते हैं, यानी वक्रों को क्या कहते हैं, त्वरण भी कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, तो ये किस प्रकार का त्वरण है, अगर ये फर्स्ट टाइम ही आपका ऊंचा हो जाएगा तो ये अधिक प्रकार का त्वरण होगा। ठीक है, शुरू वाला हिस्सा अगर ऊँचा हो जाएगा तो ये आपका अधिक प्रकार का त्वरण होगा, और शुरू वाला अगर यहाँ से जीरो से शुरू होकर जाते हैं तो आपका कम प्रकार का त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कम प्रकार का त्वरण। अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी में 11 से 15 तक क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन का दो अंक करके होगा। तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन का पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पी एक्स बराबर यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री को बहुपद जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से भाग देने तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पे भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको मैथ को लिख लिए पहले, और हमको एक्स स्क्वायर माइनस टू से भागा देना है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से क्या हम गुना करें कि मेरा एक्स टू दी पावर थ्री आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्स टू दी पावर थ्री है। तो हम एक्स से गुना किए, जैसा हम यहाँ पे एक्स से गुना किए तो इसको फिर एक्स से इसके साथ गुना भी करना होगा, अरे दो के साथ भी गुना करना होगा। तो यहाँ पे एक्स तीन गो हो गया, यहाँ पे माइनस टू एक्स हो गया। तो यहाँ पे हम जाकर उसको लिख दिए, लेकिन जो जिस कैटेगरी का है उसको उसी के साथ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है और मेरा ये वाला रैखिक है, यानी इसका पावर एक है। तो इसीलिए इसको हम क्या किए, क्यूब वाला को क्यूब वाला के साथ लिखे, रैखिक को रैखिक के साथ लिखे, बीच में फाँका। तो माइनस करने पर साइन चेंज होता है, प्लस रहता है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनस आ गया, यहाँ पर आपका प्लस आ गया। ठीक, अब ऊपर में जो है यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वो वैसे ही नीचे आ गया, उतर गया। अब यहाँ पे दोनों जो है जोड़ हो गया, क्योंकि नीचे भी जोड़ ऊपर में भी जोड़, तो पाँच एक्स और दो एक्स कितना आ जाएगा, सात एक्स, और यहाँ पे माइनस थ्री पहले से है, नीचे आ गया, ये उतर गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू को हमको किन से गुणा करेंगे कि मेरा कितना आ जाए, माइनस थ्री आ जाए। तो माइनस थ्री से हम गुणा किए, तो माइनस थ्री से गुणा करने पर क्या होगा, माइनस थ्री स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस जाकर सिक्स हो जाएगा। तो ये जाकर सिक्स हो गया, इसको जब फिर किए तो ये आपका कट गया, यहाँ पे बचा सेवन और यहाँ पे नौ, यही आपका जो है शेषफल आ गया। तो भागफल हो गया एक्स माइनस थ्री, यानी इन सब गुणा किया, शेषफल मेरा आ गया सेवन एक्स माइनस नाइन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी 12, 15 तथा 21 का एलसीएम ज्ञात करें। तीन को दिया हुआ है, तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम का अर्थ होता है जो जो चीज़ मिलेंगे उसी को हम एलसीएम, और एलसीएम का अर्थ होता है जो जो चीज़ मिलेंगे उनको एक बार लिखेंगे और बाकी जो चीज़ नहीं मिलेगा उनको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको मान के चले हम आपको एलसीएम की ही बात यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे वन सब में मिल रहा है और सब में थ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे हम वन और थ्री को लिख दिए, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। पर अगर इसी का एलसीएम हमको निकालना होता है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, तो यहाँ पे वन और थ्री तो हमको लिखना ही पड़ता है, लेकिन वन और थ्री लिखने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे वन और थ्री लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या और बचा हुआ है, तो दो को दो बचा हुआ है, तो दो को हम दो देंगे, दो इंटू टू, और फिर उसके बाद फिर फाइव देंगे और सेवन देंगे। इतना कुछ लिखने के बाद ये आपका एलसीएम आएगा। तो शायद आपको होप आस हम आशा करेंगे कि आपको एलसीएम समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो संख्या का जो है एलसीएम नौ दिया गया है और उनका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या को हम यहाँ पे जो चीज दिया गया उसको लिख ली। अब जानते हैं थ्योरी है मेरा, पास फॉर्मूला है कि दोनों से कोई भी संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का एलसीएम अगर दोनों को गुणा करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के गुण के बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के गुण के बराबर उन यहाँ पे उसको लिखिए, और इसका वैल्यू जो है नाइन दिया गया, नाइन लिख लिया, और इसको यहाँ पे, और इन दोनों को गुण करने के बाद इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक के योग तथा शून्यांकों के गुणफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पे शून्यांकों का ये आपका योग है और ये आपका शून्यांकों का गुणफल है। तो दोनों शून्यांकों यहाँ पे मान सकते हैं, मान लिया, आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लिया कि पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा।
प्रश्न अनुसार जो है यहाँ पर आप लिख क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस वन बाई फोर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इसको लिख के, और यहाँ पे हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो शून्यांकों का योगफल कितना है, माइनस वन बाई फोर है, इसको लिख के माइनस माइनस कट गया तो आपका इस तरह का कंडीशन आ गया। तो ऊपर में हो गया ए बराबर बी बराबर एक और ए बराबर आपका चार। ठीक है, अब उसी तरह का ऑल्सो करके हम लिखे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको सी बाई ए होता, हम जानते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 1/4 है सी बाई ए, तो ए का वैल्यू आपका 4 हो गया, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। तो अतः यहाँ पे अभिष्ट बहुपद है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें ए का बी का और सी का मान रखने पर ये आपका आ गया। तो इसी तरह करते यहाँ पर और दो मैथ हैं, इन दोनों मैथ को आप देख लीजिए और आराम से लिख लीजिए। यहाँ पे एक सवाल है जो आपको शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए आप कई विधि लगा सकते हैं। आपके पास मिडिल फैक्टर विधि है, उसके बाद द्विघाती सूत्र विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, इस तरह करके बहुत सारे विधि हैं, उन विधि से आप ये करते हैं। तो मिडिल फैक्टर ईजी होगा क्योंकि वो शॉर्ट में आ जाएगा, आपको यहाँ पर दो नंबर ही दिया जाएगा या तो तीन नंबर, तो इसलिए आपको शॉर्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक भाग है, इस भाग को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे राप भी करके देखा गया है इसको, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने जाएंगे तो ये आपका दिक्कत हो जा रहा है। ये सब क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, और पूरी यहाँ पे आप वीडियो को प्ले पॉज करके, और इस वीडियो में सिर्फ ये आंसर ही देना मेरा मेन मकसद था, और यहाँ पे हम पूरा अगर पढ़ने जाएंगे तो पूरा लेट हो जा रहा है, इसलिए अभी हम 21 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो 2-4 मिनट में आपको पूरा चीज़ दिखा देंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, और आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, और ऐसे तो हम कुछ दिन के बाद ही आपको पूरी तरीक़ा से हम वीडियो यूट्यूब पर देंगे, और इनका PDF तो आपको जो पैसा पे कर चुके हैं उनको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल या तो कभी हम इसको ये कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू होता है आपका ग्रुप सी, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 अंक करके मिलेगा, इन सबको आप देख सकते हैं। ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इन सवालों का आंसर बहुत कोई नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट में, तो इसलिए उनको हम बताएंगे कि इस सवाल को आप देख लीजिएगा, ये सवाल बहुत ईजी है, और यहाँ पर पूरा इसको प्ले पॉज करके लिख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका भी हम कई बार आपको सवाल बना के दिए हैं, इन सब का 17 नंबर क्वेश्चन हॉल करने भी आपको सिखा दिए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको ये करते जाएंगे। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जुड़ते जा रहे हैं उनको हम यही बताएंगे कि आप पहले वीडियो में 10 क्लास में जाइए, 10 क्लास सीरीज में, 10 क्लास की प्ले लिस्ट में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियो होंगे जो आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा। इन सब मैथों का आंसर ऑलरेडी बोर्ड पर हम समझा के 1 साल पहले बना के रखे हैं, उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, 1 साल हो या 6 महीना पहले हो, अगर वो NCERT का सवाल है तो बदलने वाला कोई चीज़ है नहीं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हर साल बदलेगा वो अलग मैटर है, तो ये आपको 2019-21 के हम यहाँ पे पैटर्न के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल का आंसर हम बोर्ड पर ऑलरेडी पूरी तरीक़ा से समझा कर एक बाय एक करके छोटा छोटा पार्ट्स बना के हम पूरा वीडियो बना के रखें, शायद 100 या 90 के आसपास कुछ ऐसे वीडियो होंगे, उन वीडियो को जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। हम यही आपसे उम्मीद रखेंगे और आपको ये आग्रह करेंगे कि आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ का जो मान है, यहाँ पे एक्स का मान 6 आ गया और वाई का मान 0 आ गया। इसी तरीका करते करते यहाँ पे और एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह करके यहाँ पे भी और एक ग्राफ है, इनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको बहुत साबितगार होंगे, बहुत मददगार होंगे, और ख़ास करके जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ले पा रहे, ट्यूशन नहीं ले पा रहे, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और टीचर लोगों को तो ये सब मैथ पता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसको देखिए। या तो ऐसा हो सकता है कि हम जो मैथ बनाए हैं उसका विधि अलग है, प्रोसेस अलग है, तो आप जो उसको बना रहे हैं उसको अलग प्रोसेस से बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका वाला प्रोसेस अच्छा है, तो आप उसी को रखिएगा, अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर मेरा वाला प्रोसेस जो है, विधि जो आपको अगर पसंद आते हैं, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके बहुत कुछ ऐसे जो है कम्बिनेशन हो जाएंगे जो टीचर
हैं जुड़े हुए, और बहुत सारे गार्जियन भी हमको देख रहा है, फॉलो कर रहे हैं। तो हम आशा रखेंगे उन सब गार्जियनों का कि आप लोग का आशीर्वाद से मेरा चैनल जो है अभी काफ़ी रफ्तार पकड़ चुके हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग और हमको सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को फैलाने के लिए, और इसको झारखंड में नंबर वन चैनल यानी खास करके 9, 10, 11, 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब के जरिए यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मामले में ये जब चैनल है अभी फर्स्ट रैंक में है। तो हर लाइन में हम लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अगर थोड़ा सा प्यार रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका एक लाइक से कुछ जाता नहीं है लेकिन उसमें मेरा एक उत्साह बढ़ जाता है और हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाते हैं। तो अब से यही उम्मीद के साथ हम इसको बता रहे हैं, और यहाँ पर 21 नंबर तक हम आ चुके हैं डिस्कस, 21 नंबर यहाँ तक, ये सबको प्ले पॉज करके लिख लीजिएगा। और ये सब बहुत इजी है, यहाँ पे अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर, जैसे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का ये सब मैथ अगर फर्स्ट टाइम आप बनाने जाएंगे तो आपको कैसा कैसा लगेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आएगा। तो मेरे जो है 10 क्लास के जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप सिर्फ मतलब एक चैप्टर वाइज वहाँ पे वीडियो बना के रखा गया, उनको आप देख लीजिए। और वो बोर्ड में बना, जैसे त्रिकोणमिति को बेहतरीन ढंग से बोर्ड में हम समझा के बनाए हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना, सारा कुछ बताया गया। इन सवालों को भी बताया गया बोर्ड पर, तो उन सब सवालों को देख लीजिए, पहले 1-1.5 साल पहले बनाया गया है उनको। और अभी भी फिर कुछ अगस्त महीना के बाद से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे बोर्ड पर वीडियो, और 10 क्लास के भी काफ़ी इस साल हम लोग वीडियो करेंगे, 10th और 12th के ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। और 11th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे तो अभी है कि साइंस और आर्ट्स दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिमांड चल ही रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन में उनका ये करेंगे बाद में, लेकिन पहले 10th क्लास को अभी हमको देखना है, 10th और 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सॉल्विंग, बहुत कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अभी बचा हुआ है, इसलिए हम उन सब को पहले उन सब क्लासों के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे या जब क्लास शुरू हो जाएगा, कोरोना जब ख़त्म हो जाएंगे, तब फिर हम 11th क्लास का और उसके बाद 9th क्लास का 8th क्लास का हम जो है टॉपिक को पकड़ेंगे। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि आप लोग के ये सब सवाल जो है समझ में आ गया होगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक भी सवाल आपका जो ऐसा सवाल नहीं है जो आपको बकवास के रूप में या ऐसे ही दे दिए गए, ऐसा नहीं। और एक आपको कंटिन्यू, एक आपका जो है सिस्टमेटिक ढंग से सवाल को सजा के रखा गया है, जिस सवाल को जिस जगह में दिया गया उसी जगह में करीब करीब पूछ सकता है, नंबर भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए आप उसको देखिए, और यहीं से हम शुरू करेंगे और ग्रुप डी नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी जो है 6 मार्क वाला क्वेश्चन होते हैं, उनको हम अलग से जब समझाने के हमको ये होगा तब हम उनको समझा कर आपको समझाएंगे। तो हम इस वीडियो में ही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।